हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार डिजिटल किस्टम आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गूगल एक्सट्रैक्टर से जो डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं उस डेटा में देखते होंगे कि जीरो लगा हुआ ही है, तो उस जीरो को एक्सेल फाइल में से कैसे रिमूव करें। उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, जो डेटा एक्सट्रैक्ट किए हैं उस डेटा को ओपन कर लीजिए, दैट मीन्स एक्सेल फाइल को ओपन कर लीजिए। ठीक है, एक्सेल फाइल को ओपन करने के बाद यहाँ इस पर सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप सॉर्ट ए टू जेड या सॉर्ट जेड टू ए पे क्लिक कर लीजिए। मैं सॉर्ट ए टू जेड कर लेता हूँ और इसको सॉर्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, उसको सॉर्ट करने के बाद फ्रेंड्स अभी देखते होंगे कि जो नंबर्स है वो लैंडलाइन नंबर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो जो लैंडलाइन नंबर्स है उसको भी मैं फिल्टर करके हटा देता हूँ, तो ये इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे इसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करना है, जैसे ही फिल्टर पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ये सिंबल यहाँ पे आ चुका है। अब इस पर क्लिक करके यहाँ पे जो भी लैंडलाइन नंबर्स है उसको मैं यहाँ से अनटिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जितने भी लैंडलाइन नंबर्स थे वो अनटिक हो चुका है। अब इसको ओके कर लेना है। ठीक है, आप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जितने भी डेटा है सारा डेटा में जीरो लगा हुआ है, दैट मीन्स अभी फिल्टर हो चुका है। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक फार्मूला टाइप करूँगा और एक फार्मूला से मैं जितना भी डेटा सारे डेटा से जीरो रिमूव कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इज इक्वल टू उसके बाद राइट उसके बाद यहाँ पे जो भी ये कॉलम्स हैं इस कॉलम को डाल दीजिए। ठीक है, जैसे ई सेवन उसके बाद यहाँ पे कोमा डाल दीजिए। कोमा डालने के बाद अभी आपको 11 डालना होगा, उसके बाद आपको ये जो ब्रैकेट है उसको बंद कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद फ्रेंड्स अभी इस पर क्लिक कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं इस डेटा से जीरो रिमूव हो चुका है। ओके, अब इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपने कर्सर को लाइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस आइकन शो हो रहा है कर्सर पे। जब कर्सर पे प्लस आइकन शो होगा तो आपको डबल क्लिक कर देना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे फ्रेंड्स जितना भी डेटा सारे डेटा से आप देख सकते हैं कि जीरो रिमूव हो चुका है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप एक्सेल फाइल्स में अपने डेटा में से कैसे जीरो को रिमूव करोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।